हेलो स्टूडेंट्स, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन वाली एक्सरसाइज आपकी पेंडिंग थी, तो इसको हम फटाफट कर लेते हैं। और इसमें कोई भी डिफ़िकल्ट पार्ट नहीं है, जितनी भी प्रॉपर्टीज़ यूज़ हो रही है मैं इसको एक बार आपको रिकैप करा देता हूं। तो स्टूडेंट्स यहां देखिए, हमारे पास साइन इनवर्स माइनस एक्स का एक फॉर्मेट है। तो साइन इनवर्स माइनस एक्स को हम सिंपली लिख सकते हैं माइनस साइन इनवर्स एक्स। और यहाँ पर जो एक्स है ना, एक्स एक्स कहाँ पर लाई करेगा, एक्स लाइंग बिटवीन माइनस वन से प्लस वन, एक्स लाइंग बिटवीन माइनस वन टू प्लस वन। दूसरा फॉर्मेट हम लिखेंगे कॉस इनवर्स एक्स के। कॉस इनवर्स का एंगल अगर नेगेटिव होगा, इसका फॉर्मेट बनेगा बेटा पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। देखो अंतर आ गया ना, माइनस वन लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू वन। सपोज कीजिए कि आपके पास में है टैन इनवर्स, और टैन इनवर्स का जो एंगल है, टैन इनवर्स का जो आर्ग्यूमेंट है वो है माइनस एक्स। तो ये बनने वाला है बेटा माइनस टैन इनवर्स एक्स। इन सब के प्रूफ भी हैं, पर पहले हम एक्सरसाइज में जो कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन है उनको देख लेंगे, फिर इसके प्रूफ पर फोकस करेंगे। तो यहाँ पर जो एक्स है, ये एक्स क्या हो सकता है? तो दिस इज ट्रू फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू द सेट ऑफ रियल नंबर्स। अगर सपोज कीजिए आपके पास में है कोसेक इनवर्स, कोसेक इनवर्स माइनस एक्स, तो कोसेक इनवर्स माइनस एक्स सिंपली हो जाएगा माइनस कोसेक इनवर्स एक्स। और ये किसके लिए ट्रू होगा? यहां पर एक्स क्या होगा, एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर्स माइनस रियल नंबर्स के सेट में से माइनस वन कॉमा वन, इस ओपन इंटरवल को हम माइनस कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो कोसेक इनवर्स माइनस एक्स का आ गया। फिर आएगी बारी सेक इनवर्स माइनस एक्स की। उम्मीद कर रहा हूँ समझ में आ रहा होगा आपको। सेक इनवर्स माइनस एक्स में फॉर्मेट होता है पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स। और यहाँ पर भी एक्स का जो वैल्यू होगा वो हो सकता है रियल नंबर्स के सेट में से माइनस वन कॉमा वन, ओपन इंटरवल सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, और एक फॉर्मेट मुझे यहाँ पर लिखना होगा, दैट फॉर्मेट इज कॉट इनवर्स। तो कॉट इनवर्स माइनस एक्स होगा, तो इसको आप लिख पाएंगे पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स। और यहां पर एक्स क्या होगा, एक्स बिलोंग्स टू अगेन द सेट ऑफ रियल नंबर्स। सो दिस इज ट्रू फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू सेट ऑफ रियल नंबर्स। तो बेटा यहां पर छह फॉर्मेट्स हैं। इन छह फॉर्मेट में हमारे पास जो छह इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं, उन सभी में हमने आर्ग्यूमेंट क्या रखा है, माइनस एक्स। तो इन सभी में आर्ग्यूमेंट माइनस एक्स रखेंगे, तो इसका सिंप्लीफिकेशन कैसे होगा वो हमने यहाँ पर लिखा है, प्रोवाइडेड ये एक्स का वैल्यू, ये रेंज हो सकता है। ठीक है, चलिए ये आपके पहले सेट, पहला सेट है इंपॉर्टेंट फॉर्मूले का, पहला सेट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं यहाँ से। दूसरा इंपॉर्टेंट फॉर्मूले का सेट आपके पास में आएगा, अगर आप साइन इनवर्स एक्स और कॉस इनवर्स एक्स का एडिशन कर रहे हैं, ये हमेशा पाई बाय टू होगा। लेकिन इसके लिए याद रखें, जो एक्स है वो होना चाहिए माइनस वन से प्लस वन, क्लोज्ड इंटरवल। दूसरा आइडेंटिटी आएगा, इनफैक्ट ये प्रॉपर्टीज हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की, tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x, ये भी होने वाला है पाई बाय टू। लेकिन यहाँ पर x क्या होगा भाई, tan इनवर्स और cot इनवर्स में x क्या हो सकता है, ऑल x आर बिलोंग्स टू सेट ऑफ रियल नंबर्स। नंबर तीन पर हम देखेंगे cosec इनवर्स x प्लस sec इनवर्स x का सम, एंड इंटरेस्टिंगली ये भी पाई बाय टू होता है, लेकिन x जो है वो क्या होगा, x बिलोंग्स टू द सेट ऑफ रियल नंबर्स माइनस
दिस इंटरवल माइनस वन कॉमा वन है, ठीक है। हाँ जी, तो ये तीन और इम्पोर्टेंट आइडेंटिटीज हैं, ये हमारे दूसरा सेट ऑफ प्रॉपर्टीज हो गया। तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में पहले हमने ये छह आइडेंटिटीज देखी जिसमें हमने आर्ग्यूमेंट को माइनस एक्स रखा है, तो राइट हैंड साइड पर क्या हो सकता है उसकी पॉसिबिलिटीज देखी। फिर हमने ये तीन आइडेंटिटीज देखी, इन तीनों में साइन इनवर्स एक्स कॉस इनवर्स एक्स का सम पाई बाई टू है, मतलब इन तीनों आइडेंटिटीज में राइट हैंड साइड तो पाई बाई टू है लेकिन लेफ्ट हैंड साइड क्या है, एक बार साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स का सम है, दूसरी बार टैन इनवर्स और कॉट इनवर्स का सम है, तीसरी बार कोसेक इनवर्स और सेक इनवर्स का सम है, प्रोवाइडेड एक्स का ये इंटरवल आपको याद रखना है, ठीक है। ये हो गई हमारे पास में दो सेट ऑफ आइडेंटिटीज। अब कुछ और इंपॉर्टेंट फॉर्मूले पर हम बात कर लेते हैं। तीसरी इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी होती है बेटा, देखो एक्स पॉजिटिव है और वाई भी पॉजिटिव है, यहां पर आपको देखना है अगर एक्स वाई ये प्रोडक्ट लेस देन वन हुआ, अगर एक्स वाई लेस देन वन है तो फिर हमारे पास एक बहुत ही बेहतरीन आइडेंटिटी आ गई है, टैन इनवर्स एक्स प्लस टैन इनवर्स वाई, और ये होने वाला है एक्स प्लस वाई अपॉन, एक मिनट छोटा सा करेक्शन, यहाँ पर आएगा टैन इनवर्स और इस ब्रैकेट में आएगा एक्स प्लस वाई अपॉन वन माइनस एक्स वाई। इसी से रिलेटेड और एक आइडेंटिटी, अगर यहाँ पर ये प्रोडक्ट एक्स वाई ग्रेटर देन वन है, मतलब ये जो कंडीशन है एक्स ग्रेटर देन जीरो और वाई ग्रेटर देन जीरो ये तो है, इसके साथ में एडिशनल कंडीशन जो है अगर एक्स वाई ये प्रोडक्ट ग्रेटर देन वन है तो उस परिस्थिति में टैन इनवर्स एक्स प्लस टैन इनवर्स वाई, प्यारे बच्चों ये बन जाएगा पाई प्लस टैन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन वन माइनस एक्स वाई। और तीसरा इसका स्पेशल केस जो है वो ये है कि अगर ये प्रोडक्ट सिंपली वन के बराबर हो गया तो फिर टैन इनवर्स एक्स प्लस टैन इनवर्स वाई ये होने वाला है पाई बाई टू, ठीक है, याद रखेंगे। और एक चौथा केस है हमारे पास, उसके लिए कोई स्पेशल कंडीशन नहीं है, बस ये दो कंडीशन के साथ बन जाएगा। अगर tan इनवर्स x और tan इनवर्स y का आप डिफरेंस लेंगे, देखो ये जो फॉर्मूला है ना पहला वाला, हाँ इसमें क्या किया यहाँ बीच में माइनस आ गया, तो इसका जो राइट हैंड साइड है उसमें जहाँ प्लस है ना ऊपर उसकी जगह माइनस आ जाएगा और नीचे वाले माइनस की जगह प्लस आ जाएगा, तो ये बनने वाला है tan इनवर्स एक्स माइनस वाई अपॉन वन प्लस एक्स वाई, ठीक है। ये कुछ और आइडेंटिटीज आपके पास में आ गई, इनको हम कह देते हैं तीसरा इंपॉर्टेंट सेट, ठीक है। और एक सेट में यहाँ पर लिखना चाहता हूँ वो हो जाएगा, अगर आपके पास में है साइन इनवर्स एक्स तो इसको आप लिख पाएंगे कोसेक इनवर्स वन बाय एक्स एंड वाइस वर्सा, अगर आपके पास में है कॉस इनवर्स एक्स तो इसको आप लिख पाएंगे सेक इनवर्स वन बाय एक्स, एंड सिमिलरली इफ यू हैव टैन इनवर्स एक्स तो इसको आप लिख पाते हैं कॉट इनवर्स वन बाय एक्स। तो ये हमारे पास हो गया अल्टीमेटली फोर्थ इंपॉर्टेंट सेट, ठीक है ना। यहाँ पर जो एक्स का जो वैल्यू है वो कहाँ से कहाँ तक हो सकता है, देखो एक तो बात क्लियर है कि एक्स इनफाइनिट एक्स जीरो नहीं हो सकता, अदरवाइज ये वैलिड नहीं होगा। और यहाँ पर जो एक्स है साइन और साइन के लिए एक्स का रेंज कहाँ से कहाँ तक होता है सर, ये होता है माइनस वन से प्लस वन क्लोज इंटरवल, ठीक है। हाँ जी, इसमें एक्स जीरो नहीं है, वाई जीरो नहीं है क्योंकि कोसेक इनवर्स इन्फिनिटी एग्जिस्ट नहीं करता, हम नहीं चाहते कि यहाँ पर आए। फिर क्या होना चाहिए, यहाँ पर भी x नॉट इक्वल टू जीरो और x का इंटरवल जो होगा वो हो जाएगा माइनस वन से प्लस वन, बिल्कुल सही। और यहाँ पर tan इनवर्स और cot इनवर्स के रिलेशन में x को आपने पॉजिटिव रखा हुआ x ग्रेटर देन जीरो,
जीरो वैसे भी इंक्लूड नहीं किया यहाँ पर, और एक्स को जीरो से बड़ा रखा है, ठीक है। तो ये आइडेंटिटीज हैं। तो आपकी बोर्ड की किताब में जितने भी क्वेश्चंस थे वो क्वेश्चंस सॉल्व एग्जांपल पहले हम एक एक करके अप्रोच करते हैं। तो मैं पेज नंबर के साथ लिख रहा हूँ ताकि आप किताब में उसको आसानी से मैप कर पाए। एग्जाम्पल नंबर 1 है, पेज नंबर 97 पे है ना। किताब खोल लेना बेटा एक बार, और इसमें आपको फाइंड करना है प्रिंसिपल वैल्यूज। तो इसका पहला सवाल है, साइन इनवर्स -1/2 का इवैल्यूएशन कैसे होगा। तो देखो बच्चों, थोड़ा सा आपको फोकस करने की ज़रूरत है यहाँ पर। ये हम यहाँ लिख देते हैं, साइन इनवर्स जब -x होता है तो क्या लिखते हैं। जब साइन इनवर्स -x होता है तो फर्स्ट सेट ऑफ आइडेंटिटीज में हमने देखा था इट इज माइनस साइन इनवर्स x। बता दूँ फिर से, पीछे जाऊँ। देखो पहला सेट साइन इनवर्स -x क्या होता है, माइनस साइन इनवर्स x, प्रोवाइडेड जो x है वो -1 से +1 के बीच में होना चाहिए। तो अभी ये जो x है ये -1 से +1 के बीच में है, तो ये आइडेंटिटी लग जाएगी, बिल्कुल लग जाएगी सर। तो ये होने वाला है माइनस सामने आ जाएगा और साइन इनवर्स 1/2। अच्छा, साइन के टेबल में 1/2 किस एंगल के लिए आता है बेटा। साइन थीटा 1/2 कब आता है, वो एंगल आपको यहाँ पर लिखना है। तो वो एंगल होता है 30 डिग्री। 30 डिग्री मतलब π/6। तो बाहर माइनस ऑलरेडी था, -π/6 इसका आंसर आ गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, सेकेंड क्वेश्चन की तरफ अप्रोच करते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है हमारे पास, सेम पेज नंबर 97 से आपको मिल जाएगा, कॉस इनवर्स √3/2। ये बच्चा सवाल है एकदम, आपको याद करना है, रिकॉल करना है। तो रिकॉल ये करना है कि कॉस के टेबल में √3/2 कब आता है। कॉस के टेबल में √3/2 30 डिग्री यानी कि π/6 पर आता है। तो सिंगल स्टेप आंसर आ गया π/6। तीसरा क्वेश्चन देख लीजिए उसी सीरीज में, वो है हमारे पास कॉट इनवर्स -1/√3। अब जरा आप मुझे आइडेंटिटी बता दो। पहले सेट में हमने ये आइडेंटिटी लिख चुके हैं बच्चों। हाँ, क्या आइडेंटिटी है, बताओ कॉट इनवर्स -x क्या होता है। सर ये होता है π - cot इनवर्स x, π - cot इनवर्स x। तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा π - cot इनवर्स 1/√3। और आपको बताना है कि cot इनवर्स, अच्छा cot थीटा 1/√3 कब होता है, 60 डिग्री पर होता है। 60 मतलब π/3 होता है बच्चों, ये हो जाएगा 2π/3। ये हमारा आंसर है। तो एग्जाम्पल नंबर 1 में 3 पार्ट्स थे, तीनों का सॉल्यूशन आपके सामने है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। ये आइडेंटिटीज हमने जो पहली इंपॉर्टेंट सेट लिखा था आइडेंटिटीज का, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इस सेशन में उन्हीं आइडेंटिटीज का एप्लीकेशन हो रहा है। अब हम अप्रोच करेंगे एग्जाम्पल नंबर 2 जो कि पेज नंबर 98 पर दिया है आपकी बोर्ड की किताब में। एग्जाम्पल नंबर 2 पेज नंबर 98। तो पहला सवाल आपको इवैल्यूएट करना है, ये वैल्यू फाइंड करना है साइन इनवर्स साइन 5π/3। अच्छा एक बार देखिए और बताइए, 5π/3 मतलब क्या हुआ। 5π/3 मतलब हो गया 5 × 60 डिग्री यानी कि 300 डिग्री है ना जी सर। तो साइन इनवर्स, बाहर वाले साइन इनवर्स को एज इट इज रख लो, और साइन 5π/3 को यानी कि क्या लिख सकते हैं, 2π - थीटा लिख पाओगे। अरे भाई 300 डिग्री को क्या लिखोगे, 300 डिग्री को लिखोगे 360 - 60 यानी कि 2π - 60। 60 - 60 का मतलब होता है π/3। तो देखिए ये हो गया साइन इनवर्स,
और 2π माइनस थीटा, साइन 2π माइनस थीटा, साइन 360 माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट है? फोर्थ क्वाड्रेंट। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या आएगा? माइनस साइन थीटा। अरे यार, साइन 360 माइनस थीटा माइनस साइन थीटा बनेगा। हाँ जी सर। अब आप मुझे बताइए, साइन पाई बाई थ्री, साइन 60 का वैल्यू कितना होता है? सर, साइन 60 का वैल्यू होता है √3/2। यहाँ पर आया √3/2। अब आपको मैं प्रॉपर्टी रिकॉल कराता हूँ कि साइन इनवर्स में अगर एंगल नेगेटिव हुआ तो माइनस साइन सामने आ जाता है। इस फंक्शन ने माइनस साइन ओक दिया, तो ये माइनस साइन सामने आ गया। अब आप मुझे बताइए कि साइन के टेबल में √3/2 कब आता है? साइन के टेबल में √3/2 आता है 60 डिग्री पर। 60 डिग्री यानी कि π/3। चेक करो इसका आंसर -π/3 है क्या? सेकेंड का फर्स्ट एग्जाम्पल में सॉल्व एग्जाम्पल है या -π/3 इसका आंसर करेक्ट है। दूसरा क्वेश्चन है टेन इनवर्स tan π/4। इधर ही कर देता हूँ। आज आपकी क्लास नहीं ले पाया तो अभी पूरा बैठ के पूरा इसका फॉर्मेट बनाया और उसके बाद में फिर सेशन बना रहा हूँ। कितने बज रहे हैं अभी? हो रहा है 1:36। ठीक है, अच्छे नंबर लाना है बेटा। अच्छे मतलब 100 में से 100। सेकंड क्वेश्चन था टेन इनवर्स। अब बोर्ड का किताब खोल के बैठ जाओ, आपको दिख जाएंगे सारे क्वेश्चन। टेन इनवर्स tan π/4, तो टेन इनवर्स tan π/4 होता है 10/45। ये 10/45 कितना हो गया? 1। तो टेन इनवर्स 1 कितना आता है? टेन इनवर्स 1 होता है π/4। ये आंसर आ गया π/4। आगे बढ़ते हैं, तीसरा सवाल देख लो, अच्छे से देख लो तीसरा सवाल। तीसरा सवाल है उसी पेज नंबर 98 पर, एग्जाम्पल 2 का थर्ड। साइन ऑफ ब्रैकेट में लिखा है कॉस इनवर्स, फिर एक ब्रैकेट और उसमें लिखा है -1/√2। बेहतरीन। अब आप देखिए, मैं आपको याद दिला देता हूँ कि कॉस इनवर्स में अगर -x रखा तो ये बनेगा π - cos इनवर्स x, ऐसा बनेगा, ये फॉर्मूला हो गया। आगे बढ़ते हैं, ये बन जाएगा ये साइन बाहर और कॉस इनवर्स ऑफ -x π - cos इनवर्स x। और x का वैल्यू कितना है बोलो? x का वैल्यू है 1/√2। थोड़ा सा मेहनत लगेगी, ये पाई एज इट इज। और कॉस के टेबल में 1/√2 कब आता है? 45 डिग्री पर। तो कॉस इनवर्स 1/√2 π/4 हो जाएगा, तो ये बनेगा साइन। बताओ π - π/4, एक पाई में से π/4 गए तो 3π/4। 3π/4 मतलब 135 डिग्री। 135 डिग्री मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट में आएगा ना, तो ये हो जाएगा हो जाएगा साइन π - π/4, ऐसा आ जाएगा। बिल्कुल सही, साइन 180 माइनस थीटा इज साइन थीटा सा, तो साइन π/4 तो 1/√2 होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर 1/√2, बिल्कुल सही। तो ये हो गया हमारा एग्जाम्पल नंबर 2 का थर्ड पार्ट। अब हम चलेंगे एग्जाम्पल नंबर 2 के फोर्थ पार्ट पर। एग्जाम्पल नंबर 2 का फोर्थ पार्ट, ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है। एग्जाम्पल नंबर 2 का फोर्थ पार्ट, साइन इवेल्युएट करना है आपको। इसकी वैल्यू ब्रैकेट में लिखा है कॉस इनवर्स 4/5 प्लस
टेन इनवर्स 5/2। ये बोर्ड में बहुत बार इस तरीके का सवाल आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए। तो साइन कॉस इनवर्स 4/5, टेन इनवर्स 5/2। देखो बेटा क्या करना है आपको, इसमें जो करना है ना वो हम यहाँ पर बाजू में लिख लेंगे। लेट ये जो है ना कॉस इनवर्स 4/5, इसको आप चुपके से मान लीजिए कि ये है ए, तो कॉस इनवर्स उधर जाएगा तो कॉस ही हो जाएगा, तो कॉस ही हो गया 4/5। अब आप बनाओ एक राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल बनाया, ये इंटरनल एंगल ले लिया ए, तो कॉस ए, कॉस ए का मतलब होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो बेस हो गया 5 और हाइपोटेनस हो गया, सॉरी बेस हो गया 4, हाइपोटेनस हो गया 5। तो पाइथागोरस थ्योरम से ये निकाल लो परपेंडिकुलर, सर ये परपेंडिकुलर आ जाएगा 3। तो कॉस ए पता है तो साइन ए भी पता चल जाएगा बच्चों। वाईफाई हो जाएगा। इसके बाद क्या करेंगे सर, इसके बाद देखो आपने क्या किया, इसको आपने ए माना, अब मैं इसको मानने वाला हूं बी। तो टेन इनवर्स 5/12 को मान लिया बी, तो यहां पर टेन बी का वैल्यू 5/12। फिर से राइट एंगल ट्राइंगल बनाया, बनाओ बनाओ बनाओ, ये इंटरनल एंगल बी हो गया, टेन बी यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये 5/12, तो इसका हाइपोटेनस आएगा पाइथागोरस थ्योरम से 13, और आपको मिल जाएगा साइन बी का वैल्यू और कॉस बी का वैल्यू। बताओ साइन बी कितना आएगा 5/13, कॉस बी कितना आएगा 12/13। और अब आप दोबारा इस क्वेश्चन पर आ जाओ, यहाँ देखो जैसे ही आप ने जो अजम्पशन लिया उसको आप ध्यान से देखेंगे, घूर के देखेंगे, तो आपको ये पता चल जाएगा कि ये जो एंगल है इसको आपने अज्यूम किया था ए और इसको अज्यूम किया था बी, तो ये बन गया साइन ए प्लस बी। साइन ए प्लस बी का एक्सपांशन कर दो, साइन ए प्लस बी का एक्सपांशन हो गया साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। और अब देखो आपके पास साइन ए कॉस ए साइन बी कॉस बी सब की वैल्यू यहाँ पर अवेलेबल है, इसको उठा के इधर चिपका दो। साइन ए का वैल्यू, साइन ए का वैल्यू है 3/5, फिर कॉस बी का वैल्यू है 12/13, फिर कॉस ए का वैल्यू है कॉस ए कॉस ए कॉस ए का वैल्यू है 4/5 और साइन बी का वैल्यू है 5/13। तो ये देखो 12 3 36/65 और 5 4 20/65, ये सब मिलकर हो गया 56/65। ऐसा आया क्या 56/65? हाँ ठीक है, इसका वैल्यू कितना आ गया 56/65। देख लो भाई समझ में आया तो बता दो, कोई डाउट है तो स्क्रीनशॉट लेना, इसको ऐसा सर्कल करना और व्हाट्सएप पे भेज देना, नंबर आपके पास है। ठीक आगे बढ़ते हैं, अब हम बात करेंगे एग्जाम्पल नंबर 3 जो कि पेज नंबर 99 पर दिया हुआ है। एग्जाम्पल 3 पेज नंबर 19, ठीक है। और सवाल है पहला वाला, साइन साइन इनवर्स 3/5 और कॉस इनवर्स 3/5, इसका वैल्यू आपको निकालना है। बोलो भाई, तो मैंने और एक सेट ऑफ आइडेंटिटीज आपको लिख के दिया था, उसका पहला आइडेंटिटी है साइन इनवर्स एक्स और कॉस इनवर्स एक्स, ये पाई बाय टू होता है अगर एक्स -1 से +1 के बीच में। दिखाऊं फॉर्मूला, पीछे जाना पड़ेगा, पीछे गए
ये देखो सेकंड सेट ऑफ फॉर्मूले में साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स पाई बाई टू होता है अगर एक्स माइनस वन से प्लस वन के बीच में, ठीक है। देख लो भाई अच्छे से पहला वाला, तो साइन इनवर्स, अच्छा ये एक्स जो है ये 3/5 है, तो यहाँ पे 3/5 ऑब्वियसली इस इंटरवल में आ रहा है, बिल्कुल सही। 3/5 मतलब 0.6, 0.6 माइनस वन से प्लस वन के बीच में आएगा, तो ये बाहर वाला साइन तो एज इट इज रहने दो, लेकिन साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स मिलकर हो जाएगा पाई बाई टू। तो इस ब्रैकेट का वैल्यू सिर्फ आया पाई बाई टू, और साइन पाई बाई टू होता है 1, एंटर एन, ये आंसर हो गया। और एक क्वेश्चन है पेज नंबर 99 पर ही, एग्जाम्पल 3 का सेकेंड पार्ट है, तो भी यहीं देख लेते हैं। क्या है क्वेश्चन, कॉस ब्रैकेट कॉस इनवर्स माइनस 1/2, फिर है टेन इनवर्स √3। बड़ा आसान सा सवाल है, बाहर वाला कॉस एज इट इज। अच्छा बच्चों मैंने आपको बताया था कॉस इनवर्स ऑफ माइनस एक्स, रहा देखो माइनस एक्स है ना, कॉस इनवर्स माइनस एक्स, कॉस इनवर्स माइनस एक्स को लिखेंगे पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स, ऐसा लिख पाएंगे, और ये टेन इनवर्स √3 एज इट इज। अब जरा इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो कॉस पाई कॉस इनवर्स 1/2, कॉस इनवर्स 1/2 होता है 60 डिग्री, यानी कि पाई बाय 3, और टेन इनवर्स √3 ये भी 60 डिग्री होता है, यानी कि पाई बाय 3। तो ये पाई बाय 3 से पाई बाय 3 शहीद हो गया, भगवान मरने वाले के आत्मा को शांति प्रदान करें। और कॉस पाई, तो कॉस पाई का वैल्यू -1, ये आ गया आपका। और एक सवाल एग्जाम्पल 3 है ना, अब एग्जाम्पल 3 के बाद एग्जाम्पल 4 जो कि पेज नंबर 100 आपकी बोर्ड की बुक में पेज नंबर 100 पर है। चलिए एग्जाम्पल नंबर 4 पेज नंबर 100, ये मैंने सभी सॉल्यूशन अभी वर्कआउट किए हैं, सभी सॉल्यूशन, ठीक है। हाँ सिंपलेस्ट पॉसिबल वे में, तो क्वेश्चन है कि अगर मॉड ऑफ एक्स लेस देन इक्वल टू 1 है तो शो दैट साइन ऑफ कॉस इनवर्स एक्स, ये होगा कॉस ऑफ साइन इनवर्स एक्स होगा। चलिए प्रूव करना है, इसका सॉल्यूशन दिखा, इसका प्रूफ दिखा देते हैं आपको। देखो अभी अभी आपने कहा था कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स ये होता है पाई बाई टू, तब जब एक्स माइनस वन से प्लस वन हो। तो बच्चा मॉड एक्स लेस देन इक्वल टू 1 का मतलब क्या हुआ, एक्स लाइंग बिटवीन -1 to +1, तो ये आइडेंटिटी लग जाएगी आपकी पहली वाली आइडेंटिटी, सेकंड सेट में पहली आइडेंटिटी। यहाँ से मैं कॉस इनवर्स एक्स को लिख सकता हूँ पाई बाई टू माइनस, अरे भाई इसको राइट हैंड साइड में लेकर आ गए, दोनों तरफ मैंने ले लिया साइन। देखो कॉस इनवर्स एक्स के बाहर कौन सा फंक्शन चाहिए, साइन चाहिए ना, जो प्रूव करना है उसमें कॉस इनवर्स के बाहर साइन चाहिए, तो कॉस इनवर्स के बाहर साइन चाहिए, साइन ले लेते हैं, मतलब दोनों तरफ साइन फंक्शन ले लिया आपने, ये भी हो गया साइन पाई बाई टू माइनस साइन इनवर्स एक्स। और देखो बेटा ये लेफ्ट हैंड साइड तो एज इट इज, बिल्कुल डरने वाली बात नहीं है, और साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा क्या होगा, कॉस थीटा, मजाक मजाक में ये भी प्रूव हो गया, हेंस प्रूव हिंदुस्तान पेट्रोलियम एग्जाम्पल 4। अब बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 5 की जो कि पेज नंबर 100 पर दिया हुआ है। बोर्ड की किताब में पेज नंबर 100 पर यह है
ठीक से सुनाई दे रहा है? हेडफोन लगा के सुनना वीडियो। ये है भाई 2 tan inverse 1/3 प्लस cos inverse 3/5। ये आपको प्रूव करना है बेटा। पेज नंबर 100 पे पहला क्वेश्चन है, एग्जांपल 5 का फर्स्ट पार्ट, 2 tan inverse 1/3 प्लस cos inverse 3/5। ये आपको राइट हैंड साइड प्रूव करना है, π/2। ठीक है, तो देखते हैं बेटा इसको करते हैं। देखिए हमने क्या किया, सबसे पहले इसका इलाज किया 2 tan inverse 1/3 का। तो मैंने लिखा लेफ्ट हैंड साइड 2 tan inverse 1/3 प्लस cos inverse 3/5, लेफ्ट हैंड साइड लिख लिया। देखो मैं क्या कर रहा हूँ, ये दो बार है ना। अरे भाई tan inverse 1/3 दो बार है, तो मैं इसको दो बार लिख लेता हूँ। tan inverse 1/3 और दोबारा लिखा tan inverse 1/3, लिख लो सर, लिख लो। और ये आ गया cos inverse 3/5। अब ये जो ब्रैकेट है ना, इसको हम अलग से डील करेंगे। ये देखो ये ब्रैकेट को हम अलग से डील करेंगे, समझना। मैं क्या करना चाह रहा हूँ ध्यान देना। देखो जरा, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि देखो मेरे पास एक आइडेंटिटी है। कौन सी आइडेंटिटी? मैं इधर लिखता हूँ खोपचे में, देखो अगर एक्स ग्रेटर देन 0 है, वाई ग्रेटर देन 0 है। तो देखो एक्स क्या है यहाँ पर, 1/3 ग्रेटर देन 0, वाई भी 1/3 वो भी ग्रेटर देन 0, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो एक्स इंटू वाई मिलेगा 1/9, वो भी वो लेस देन 1 है, एक्स वाई लेस देन 1 है। ठीक है, तो एक मिनट पीछे देखो, तो क्या बनेगा, टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई को क्या लिखेंगे? टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई को आप लिखेंगे टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, ऐसा लिखेंगे। इस फॉर्मूले को हम यहां अप्लाई करने वाले हैं, टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई कर दो अप्लाई। तो ये बन जाएगा टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई यानी कि 1/3 प्लस 1/3 अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, 1/3, 1 माइनस 1/3 इंटू 1/3, टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई ये आ गया। और इधर है cos inverse 3/5, देखते जाओ मजा ले लो। ये हो जाएगा 2/3, नीचे आएगा ये हो गया 9 9 माइनस 1, अरे एलसीएम लो ना, 9 माइनस 1 8/9 आएगा यहाँ पर। ठीक है, तो देखो टेन इनवर्स, देखो ये 2 को 8 से काटा तो यहाँ 4 आएगा, और 3 को 9 से काटा तो नीचे 3 आएगा, तो ये घूम के ऊपर आएगा और ये बन जाएगा टेन इनवर्स 3/4 और cos inverse 3/5। अब देखो बच्चों, ये जो दिख रहा है आपको टेन इनवर्स 3/4, इसका इलाज करते हैं जरा, देखना जरा ध्यान से आपने। देखो ये मैंने एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाया, और ये जो दिख रहा है आपको, ये परपेंडिकुलर और ये बेस, ये 3 और 4 हो गया, तो हाइपोटेन्यूस कितना होगा सर? ये हो जाएगा 5। तो टेन इनवर्स 3/4 ये एक एंगल है, अरे भाई ये एक एंगल है, तो टेन इनवर्स 3/4 ये एंगल को हम साइन इनवर्स या कॉस इनवर्स के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो टेन इनवर्स 3/4 को आप लिख सकते हो साइन इनवर्स, अरे भाई ये जो एंगल होगा ना, इसको आप टेन इनवर्स 3/4 कहें या साइन इनवर्स 3/5 कहें, एक ही बात है। तो हम इसको रिप्लेस कर रहे हैं साइन इनवर्स 3/5 से। ठीक
और अभी अभी मैं आपको एक आइडेंटिटी दे चुका हूँ, उसको मैं आपको याद दिलवाता हूँ कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स, और एक्स का वैल्यू अगर -1 से +1 के बीच में है तो ये होता है पाई बाई टू। हिंदुस्तान पेट्रोलियम हेंस प्रूव्ड। ठीक है तो सर आप कहाँ गए, मैं दोबारा आ जाता हूँ भाई स्क्रीन पर। चलिए उम्मीद करता हूँ बात समझ में आई होगी। एग्जाम्पल फाइव का सेकेंड पार्ट भी एक दिया हुआ है, उसे भी देख लेते हैं। एग्जाम्पल फाइव का सेकेंड पार्ट गया। एग्जाम्पल फाइव का पार्ट यहाँ पर ये है, 2 tan inverse 1/3। ये पेज नंबर पे देख लो भाइयों, एग्जाम्पल फाइव का सेकेंड पार्ट, 2 tan inverse 1/3 + tan inverse 1/7, ये आपको प्रूव करना है पाई बाय फोर। कर लेते हैं तो इसकी शुरुआत करते हैं हम लेफ्ट हैंड साइड से। टू टेन इनवर्स 1/3 और टेन इनवर्स 1/7। ठीक है देखते जाओ, टू टेन इनवर्स 1/3 का इलाज अभी अभी हमने किया था। पीछे देखो पीछे देखो पीछे, 2 tan inverse 1/3, सिर्फ ये पहली टर्म देखो। इस पहली टर्म को आपने ऐसे स्प्लिट किया था दो पार्ट्स में, फिर ये फॉर्मूला लगाया था, फिर ये टर्म मिली थी, फिर ये टर्म मिली थी, तो इसको आपने लिखा था साइन इनवर्स 3/5। लिखा था ना तो लिख लो ना अभी भी, साइन इनवर्स 3/5 लिख लो। अच्छा सर इसको साइन इनवर्स 3/5 लिखेंगे और यहाँ पर ऑलरेडी टेन इनवर्स है तो कैसे होगा, हो जाएगा चिंता ना करें। इसको आप क्या करें, इसको तो आप लिख लें साइन इनवर्स 3/5। ओके फिर यहाँ पर आए टेन इनवर्स 1/7 का मतलब क्या हुआ, इसको समझते हैं। देखो एक काम करो ना, वो अगर साइन इनवर्स लिखा तो इसको कॉस में कन्वर्ट करो, अदरवाइज इसको टेन में ही रहने देते तो इसका क्या पार्ट हो सकता था। इसको आप लिख सकते थे साइन इनवर्स 3/5 को आप लिख सकते थे टेन इनवर्स 3/4, हाँ लिख सकते थे ना, लिख लो तो लिख लो आप। अरे यार तुम ध्यान ही नहीं दे रहे हो, 2 tan inverse 1/3 को टेन इनवर्स 3/4 लिख सकते क्या। ये देखो 2 tan inverse 1/3 को टेन इनवर्स 3/4 लिख सकते ना, हाँ सर। और ये टेन इनवर्स 1/7 सेम, देखो ये एक्स पॉजिटिव है वाई पॉजिटिव है और इन दोनों का प्रोडक्ट 3/28 आएगा जो कि 1 से छोटा है। 3/28 1 से छोटा ही होगा ना, इसको डायरेक्टली आप लिख सकते हो टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन 1 - xy। ये अरे अभी बताई थी ना आइडेंटिटी, जी सर। तो ये हो जाएगा, देखो एलसीएम ले लो, 21 + 4 24/20, अरे 7 3 20 1 + 4 25/28। नीचे देखो 7 4 20 8, 28 एलसीएम आया तो 28 - 3 25/28। अरे ऊपर नीचे एक समान है, ये हो जाएगा टेन इनवर्स 1 जो कि होगा पाई बाय 4। टेन इनवर्स 1 तो बचपन से पता है पाई बाय 4 होता है। तो ये एग्जांपल नंबर 5 आपके सामने सॉल्व हो गया। अब बात करेंगे एग्जांपल नंबर 6 की जो कि पेज नंबर 101 पर है। टेन इनवर्स 1 + tan inverse 2 + tan inverse 3, ये आपको प्रूव करना है पाई। तो
पीटी लिख देता हूँ मैं, डू दैट। पेज नंबर 101 आपकी बोर्ड की किताब है ना। अब देखो मैं इसका लेफ्ट हैंड साइड लेता हूँ, लेफ्ट हैंड साइड भी नहीं, सिर्फ ये दो टर्म ले रहा हूँ। देखो कंसीडर कंसीडर टेन इनवर्स वन प्लस टेन इनवर्स टू। देखो बच्चों यहाँ पर एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव हैं, एक्स पॉजिटिव वाई भी पॉजिटिव, इन दोनों का प्रोडक्ट एक्स इंटू वाई वन इंटू टू टू आएगा जो कि ग्रेटर देन वन है। अगर ये ग्रेटर देन वन होगा तो फॉर्मूले में थोड़ा सा बदलाव होगा, टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई ये होता है पाई प्लस, अरे भाई अगर एक्स वाई ग्रेटर देन वन है तो ये होगा पाई प्लस टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन वन माइनस एक्स वाई, तो ये हो जाएगा टेन एक मिनट पाई प्लस टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स वन माइनस एक्स वाई पाई प्लस टेन इनवर्स, ऊपर आया थ्री नीचे आएगा माइनस वन, ये हो जाएगा माइनस थ्री। बच्चों आप जानते हैं टेन इनवर्स माइनस एक्स क्या होता है, शुरू में आइडेंटिटी लिख के दिया है, टेन इनवर्स माइनस एक्स होता है माइनस टेन इनवर्स एक्स होता है, देख लो आप। तो यहाँ पे क्या मिला देखो, टेन इनवर्स वन और टेन इनवर्स टू इन दोनों का सम ये आया, तो जो आपको मिला इसको आप दोबारा लिखेंगे। हाँ देखो 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 टेन इनवर्स वन प्लस टेन इनवर्स टू ये आपके पास आया पाए माइनस टेन इनवर्स थ्री। अब आपको क्या चाहिए, टेन इनवर्स थ्री लेफ्ट हैंड साइड पे चाहिए, ले लो इसको लेफ्ट हैंड साइड पे, तो टेन इनवर्स वन प्लस टेन इनवर्स टू प्लस टेन इनवर्स थ्री ये आ गया है पाए। हिंदुस्तान पेट्रोलियम हेंस प्रूव्ड। ये था एग्जांपल सिक्स, और कुछ बच रहा है क्या देख लेते हैं। एग्जांपल सेवन है भाई, सिंपल दिख रहा है। तो पेज नंबर 101 पे और एक प्रूफ वाला सवाल है, और जो पूरी एक्सरसाइज है ना वो इन्हीं की रेप्लिका क्वेश्चन से भरी पड़ी है। तो एक क्वेश्चन और कर देता हूँ, आंखें अब जलने लग गई, बहुत लेट, दो बज चुका है। एग्जाम्पल नंबर सेवन और पेज नंबर 101 बोर्ड की किताब से आपको प्रूव करना है कॉस इनवर्स 4/5 और कॉस इनवर्स 12/13। और ये प्रूव करना है आपको कॉस इनवर्स 33/16। बच्चों ऐसे सवालों में आप क्या करें, देखो यहाँ पर ये एंगल सेम दिख भी नहीं रहा है, वैसे भी कुछ आइडेंटिटी डायरेक्ट नहीं लगेगी। तो यहाँ पर कॉस इनवर्स 4/5 को, अच्छा पहले तो आप क्या करें, कॉस इनवर्स 4/5 को ए मान लें, कॉस इनवर्स 12/13 को बी मान लें। लेट कॉस इनवर्स 4/5 इज ए एंड कॉस इनवर्स 12/13 इज बी, तो cos a का मान हो जाएगा 4/5 और cos b का वैल्यू हो जाएगा 12/13। हमने बनाया राइट एंगल ट्राइंगल, इंटरनल एंगल a, cos होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो ये 4/5 तो ऑब्वियसली ये जो हाइट है ये 3 हो जाएगी, तो हमें चाहिए sin a, निकाल लो sin a हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज 3/5। अब देखो यहाँ हमने बनाया राइट एंगल ट्रायंगल, तो ये इंटरनल एंगल है बी, ये हो गया पाई सॉरी 90 डिग्री, कॉस होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, पाइथागोरस थ्योरम से ये वैल्यू आने वाली है 5। तो प्यारे बच्चों आपको साइन बी का वैल्यू मिलेगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब देखो जो आपको आपका जो लेफ्ट हैंड साइड है ना उसको कंसिडर कर लो, तो प्रूव करना है उसका लेफ्ट हैंड साइड क्या है भाई, कॉस इनवर्स 4/5 प्लस कॉस इनवर्स 12/13। अच्छा एक काम करो,
ये हो जाएगा ए प्लस बी। दोनों तरफ कॉस ले लेते हैं, दोनों तरफ हम क्या ले लेते हैं, कॉस कॉस इसके लेफ्ट हैंड साइड में, यहाँ पर हमने ले लिया कॉस और यहाँ पर भी आ गया कॉस। तो कॉस ए प्लस बी का एक्सप्रेशन लगा देते हैं, कॉस ए कॉस बी, बीच में माइनस आएगा भाई, माइनस साइन ए बी। अब कॉस ए कॉस बी का वैल्यू, कॉस ए का वैल्यू 4/5, कॉस बी का वैल्यू 12/13, 4/5 12/13 का प्रोडक्ट। अब साइन ए साइन बी का प्रोडक्ट 3/5 और 5/13, ये हो गया 48/65, 15/65, ये हो गया बेटा 33/60। अब देखो लेफ्ट हैंड साइड क्या था, लेफ्ट हैंड साइड था बच्चों कॉस ऑफ कॉस इनवर्स 4/5 और कॉस इनवर्स 12/13। लेफ्ट हैंड साइड था कॉस ऑफ कॉस इनवर्स 4/5 प्लस कॉस इनवर्स 12/13। तो ये लेफ्ट हैंड साइड वाले कॉस को यहाँ राइट में शिफ्ट कर लो, तो ये हो जाएगा कॉस इनवर्स 33/65 और लेफ्ट हैंड साइड देखो यहाँ से कॉस गया, यहाँ बचेगा कॉस इनवर्स 4/5 और कॉस इनवर्स 12/13। ठीक है, यही आपको प्रूव करना था, हेंस प्रूव। तो जैसा मैं देख पा रहा हूँ आपकी एक्सरसाइज 3.3 जो कि पेज नंबर 102 पर दी है, उससे पहले जितने भी सॉल्व एग्जांपल थे और उसमें यूज होने वाली जितनी भी आइडेंटिटीज थी, वो सभी आइडेंटिटीज मैंने आपको रिकैप करा के दिखाकर सारे क्वेश्चन आपके सामने सॉल्व कर दिए। ठीक है, और प्यारे बच्चों एक्सरसाइज 3.3 में सभी सवाल इसी थीम पर हो जाएंगे, आप एक बार ट्राई करेंगे और जो भी क्वेश्चन आपसे नहीं होता है वो आप मुझे व्हाट्सएप कर देंगे। ठीक है, तो ये हो चुका है और इसमें जो आइडेंटिटीज मैंने यूज़ की है उन आइडेंटिटीज के कुछ प्रूफ्स भी इम्पोर्टेंट हैं, तो मैं एक सेपरेट वीडियो बनाकर आपको प्रूफ्स भी प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, तो वो प्रूफ्स में कोई ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। वैसे भी ये इस टॉपिक को आप स्किप भी कर देते पूरे तरीके से तो भी आप 100 out of 100 गेन कर सकते हैं, क्योंकि ऑप्शंस आपके पास रहते हैं। तो इसमें से जो क्वेश्चंस आते हैं ना पेपर में कैलकुलेशन बेस्ड, वो सारे क्वेश्चंस इसी में से आएंगे और एक्सरसाइज 3.3 एक बार लगा लेंगे आप। ठीक है, तो स्टूडेंट्स बहुत बहुत धन्यवाद, अपोलॉजी फॉर नॉट गिविंग द सॉल्यूशंस इन द क्लास, और थोड़ा सा कल दिल्ली जाना है, इंजीनियरिंग सर्विसेज के पेपर का एनालिसिस है, उसी के चक्कर में आज आपका क्लास नहीं ले पाया, तो मुझे ऐसा लगा कि वीडियो बना देना चाहिए। तो रात को 2-2.5 बजे बैठकर ये वीडियो बना रहा हूँ, और आपको कल की एग्ज़ाम जो कि फुल लेंथ आपका मॉक है उसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, बेस्ट ऑफ लक। उसके ठीक 2 दिन बाद आपका इंग्लिश का पेपर है, मैं कुछ ऑडियो मैसेजेस छोड़ूंगा, कल भी क्लास में आपसे बात करूंगा, तो मिलते हैं, पूरा वीडियो देखें, थैंक यू और